तू तो शुरू से अपने विलेन के कैरेक्टर में सेट है, मगर इस पलटी बाज ने अपना कैरेक्टर लूज कर दिया। मैं तब भाई नहीं था जब मेरे ऊपर पूरा कंटेनर पटका था। बस एक बार इसे दिल से अपने भाई को पुकारने दो। सुन, मैं तुझे दो ऑप्शन दे रहा हूं, या तो शेयर मेरे नाम कर या मेरा कर्जा वापस कर। इस शेयर का सिर्फ 10% बेचकर सारा कर्जा उतार दूंगा। ऐसा है क्या? लगता है तू एग्रीमेंट भूल गया। मेरी परमिशन के बिना तू एक शेयर भी नहीं बेच सकता। ले ले ले। और बन इसका सगा। ए, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तू मुझे ही धोखा दे रहा है। हे, खुद के बाप को धोखा देने वाला मुझे धोखेबाज कह रहा है। अरे पब्लिक बजाओ ताली, मामू ने गंदे मुंह से क्या बढ़िया बात बोली है, आज हक दूं। तू तो शुरू से अपने विलेन के कैरेक्टर में सेट है, मगर इस पलटी बाज ने अपना कैरेक्टर लूज कर दिया। जब तक ये सारे शेयर मेरे नाम पर नहीं कर देता तब तक मारो इसे, और अगर कोई बीच में आता है तो उसे भी नहीं छोड़ना। ए मामू, ये चीटिंग है। तू शेयर लिया, रिक्शे का फेयर लिया, तुम लोगों के आपस का मामला है, हम इसमें क्यों टांगड़ाने लगे? मतलब तू बीच में नहीं आएगा ना? सवाल ही नहीं। पक्का नहीं आएगा ना? तेरी माँ की कसम। ए, धुलाई शुरू कर। क्या हो गया भ्राताश्री? भूल गए इसने क्या वचन दिए थे? कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और छाती ठोक के बोला था तो इसे अपनी बात पे टिके रहने दो ना भैया, जबान की भी तो कोई कीमत है। भाई है हमारा। ओलो, अच्छा, वाह बेटा, भाई है। अबे कसाई, मैं तब भाई नहीं था जब मेरे ऊपर पूरा कंटेनर पटका था। चल पिचवट। बीच में तभी कोई आएगा जब बीच वाला भाई बुलाएगा, तब तक इसकी कुटाई चलेगी। रुक जाओ भैया, बस एक बार इसे दिल से अपने भाई को पुकारने दो, फिर देखो मैं कैसे इन सबके बाप भाई करता हूं। क्यों मार खा रहा है? ना तो तू वहां जा पाएगा और ना वो यहां आएगा। साइन कर दे, जान बच जाएगी तेरी। मैंने अपनी फैमिली से ज्यादा तुझ पर भरोसा किया था, लेकिन तूने असली रंग दिखा ही दिया। पता है इतनी मार खाकर भी मैंने उसे क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि मेरे जिस्म से गिरने वाली खून की एक एक बूंद मेरे अपनों से मेरे गुनाहों की माफी मांग रही है। सुन, अगर मैंने अपने किसी भी भाई को आवाज दी ना तो तेरा क्या हश्र होगा देखना चाहता है? तो देख छोटे, आजा।